जम्मू कश्मीर के बारामूला में सोमवार को आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के दो जवान खुर्शीद खान और लविकुश शर्मा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद लवकुश शर्मा के गांव जहानाबाद में सभी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लवकुश शर्मा को उनके 7 साल के बेटे सूरज ने मुखाग्नि दी। जिस समय सूरज अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा था, उस समय सभी की आंखें नम थी। शहीद लवकुश शर्मा के घर वालों को क्या पता था कि उन्हें भविष्य में ये दिन देखना होगा। लवकुश शर्मा के घर में उनके पिता सुदर्शन शर्मा, माँ प्रमिला देवी, पत्नी अनीता देवी, 7 साल का बेटा सूरज और 3 साल की बेटी अनन्या है। लवकुश शर्मा की शहादत की खबर सुनने के बाद से ही उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम बिहार के दोनों शहीदों के शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मौजूद थे। बिहार सेक्टर के अन्य सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जहां पर दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पटना एयरपोर्ट से जब लवकुश शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गांव के लिए रवाना हुआ तो लवकुश शर्मा अमर रहे किनारों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। न्यूज़ भी ऐसे लोगों को सलाम करता है जो अपने परिवार की परवाह किए बिना देश के नाम अपनी जान न्यौछावर करते हैं।